भाई वो जरा हटके होने वाला है। तो हेलो सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया। क्या बनने वाला है सर आज? आज अपना रेगुलर पावाजी सर। ठीक। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये छोटे में 1-2 किलो पाव भाजी भी बल्कि बल्क में वाला है। अब इसको डन करेंगे आप। बता सकते हैं इसके अंदर कौन सी सब्जियां मिलाई जाती है? इसमें अपना फ्लावर है, कैप्सिकम है, टमाटर है और अपना बटाना। और सर कितना टाइम लगता होगा मतलब इसे बॉइल होने में? जी सर 15 से 20 मिनट लग जाता है। 15 से 20 मिनट लगता है। अच्छा सर, मिनिमम इसमें कितना प्लेट बन जाता होगा पाव भाजी का? अपने 40 से 50 बन जाता है। 40 से 50 बन जाता है। तो सर अब इसमें क्या आने वाला है? अभी इसमें बटाका आने वाला है। अच्छा, तो फ्रेंड्स बने रहेगा वीडियो में क्योंकि अभी तो ये मतलब शुरुआत है। आगे आगे देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली जाएगी। क्या आने वाला है सर अभी इसके अंदर? ऑयल, तेल। अच्छा, ये देखो तेल डाल दिया। भाजी का प्रोसेस चालू हो रहा है और ये हम इसमें डाल रही है मसाला। अच्छा ठीक है। तो ये क्या था सर? ये जीरा है सर। अच्छा, तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि मतलब तेल हल्का हल्का गर्म हो चुका है, उसमें डाला गया है जीरा। ये सर गार्लिक, गार्लिक का पेस्ट रहने वाला है। तो सर अब इसके अंदर अब क्या क्या आने वाला है? अभी मसाला आएगा सर। मसाले, ठीक है सर, तो डालिए। ये कौन सा मसाला है सर? ये अपना गरम मसाला है। गरम मसाला। और ये? ये अपना पाव भाजी मसाला है। अच्छा, और ये अपना धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर रहने वाला है। ये अपना नमक। अच्छा, ये अपना मिर्ची पाउडर। अच्छा, चुका है? नहीं, ये तो अभी आपको दिखाने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, बनाइए। सो फ्रेंड्स देख सकते हो कश्मीरी मिर्च का कमाल।
डालेंगे थोड़ा पानी। फ्रेंड्स देख सकते हैं पाव भाजी से तवा लबालब हो चुका है और इसकी सुगंध भी वाकई लाजवाब आ रही है। इसमें डालेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार बटर, बटर भी आने वाला है। हाँ। क्या बात है। तो सर स्वाद में बेसुमार रखने वाली कौन सी चीज डालने वाले हो आप? धनिया सर। धनिया, क्या बात है। अरे यार धनिया, हो गया रेडी सर। हो गया जी, तो हमने खाया, स्वाद बड़ा लाजवाब है। अगर किसी को खाना हो तो क्या एड्रेस रहेगा आपका? ये हमारा जो है लेक्यू गार्डन के पास, कारगिल चौक के लेफ्ट साइड से आप जैसे आओगे, रोम साइड से जैसे सर्विस रोड से आओगे तो मिस्टर कैफे आएगा। मिस्टर कैफे के बाजू में ही हमारा राइस एंड डाइन किचन का आपको पूरा दिख जाएगा हमारा रेस्टोरेंट। मिल जाएगी आपके पाव भाजी में आपको हर टाइप की वैरायटी मिल जाएगी। रेगुलर मिल जाएगा, व्हाइट पाव भाजी मिल जाएगा, ग्रीन पाव भाजी मिल जाएगा, घोटाला पाव भाजी मिल जाएगा, हर तरीके के आपको जैन स्पेशल जैन पाव भाजी भी मिल जाएगा। अच्छा, और सर टाइमिंग क्या रहता है आपके यहाँ? टाइमिंग पाव भाजी का जो रहेगा आफ्टरनून 1 o'clock से स्टार्ट हो जाता है और नाइट में आपको 1 to 2 o'clock तक का आपको मिल जाएगा। हर आप ऑर्डर भी करते हैं या कॉल भी करेंगे तो हम ऑर्डर भी पहुँचा देंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम आपको लोकेशन बताते हैं। सर थैंक यू सो मच। सकते हैं राइस एंड डाइन किचन है ये, और कारगिल चौक से अगर आप आओगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा राइस एंड डाइन किचन। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले सफर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।